हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर जितनी गर्मी है ना उसके लिए तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो एंड तक देखिएगा। सारे आपको लिंक्स वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिनके मुझे मिले हैं, ठीक है। जिनके नहीं होंगे आप समझ जाइएगा उनका लिंक नहीं मिला है, वो चीज़ सॉल्ड आउट है या मुझे मिली नहीं। वैसे आप पास की किसी भी दुकान से लें तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको हाय मेरी तरफ से। और जो है सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट पे ज़रूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। नीचे मैं इंस्टा हैंडल दे रही हूँ तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। और बाकी सारे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे। और जो है वीडियो की तरफ चलते हैं, तो आता है हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि है एक डिओड्रेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि इस गर्मी में डिओड्रेंट इतना ज़रूरी है। ये डिओड्रेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है और ये काफ़ी देर तक स्टे भी करता है। इसकी प्राइस अराउंड 600 to 700 के समथिंग है। इससे मिलता जुलता एक और डिओड्रेंट है, वो भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत देर स्टे करता है। अगर आपको फ्रेगरेंस वाला डिओड्रेंट नहीं पसंद ना तो फिर ये मत लीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। मैंने चीज़ों के लिंक्स तो दे दिए हैं, पर आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा डिओड्रेंट यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो उस डिओड्रेंट का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, वो भी बहुत अच्छा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ आप यही चीज़ें यूज़ करें। आप कोई भी बॉडी स्प्रे जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो है ये भी एज अ डिओड्रेंट वाला ही बॉडी स्प्रे है, ठीक है, एज अ डिओड्रेंट भी काम करता है। पर अगेन जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो अवॉइड करें क्योंकि उनको जो है इरिटेट करेगा। उसके बाद जो है कोई भी परफ्यूम अच्छा सा आप ले लें, तो मेरे पास ये परफ्यूम था, मैं ये दिखा रही हूँ, और भी बहुत से परफ्यूम हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई अच्छा सा परफ्यूम, कोई अच्छा सा बॉडी स्प्रे आप लोग यूज़ कर लें। और अगर आप दोनों एक साथ यूज़ करते हैं ना तो लॉक हो जाएगी आपसे, घंटों तक बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी। अगर आपने डिओड्रेंट भी यूज़ किया होगा और बॉडी स्प्रे और कोई परफ्यूम भी, तो आप काफ़ी देर तक फ्रेश और अच्छे, आपको ख़ुद भी अच्छा फील होगा, इस गर्मी में आपसे खुशबू आ रही होगी। उसके बाद आ जाता है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बॉडी वॉश। जी बिल्कुल, बॉडी वॉश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें फ्रेगरेंस होती है। अच्छा, अगर आपको फ्रेगरेंस नहीं पसंद ना तो आप ये विंसे वाला ले लें, इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है, बट इसकी जाग इतनी नहीं बनती जितनी लक्स वाले की बनती है। मुझे पर्सनली लक्स वाला अच्छा लगा। एक तो सस्ता भी है, अराउंड 600 to 700 के अंदर ही आपको मिल जाता है, वो आपको 1000 rupees का मिलेगा। पर जो है ना इसमें बहुत ही फ्रेश फ्रेगरेंस आती है, मतलब इसमें कूलिंग है तो ये आपको ठंडा ठंडा फील करवाता है, फ्रेश फ्रेश फील करवाता है। क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हैं ना तो आपको फ्रेश फ्रेश फील होता है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत फ्रेश सी है। इसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेगरेंस फ्री है, इससे आपको कोई भी फीलिंग नहीं आती। बट है ये भी अच्छा, बुरा नहीं है, बट मुझे ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है लक्स का, क्योंकि बहुत ही मुझे मज़े का और फ्रेश फ्रेश फील करवाता है। खासकर इस गर्मी में ना कूलिंग जिसमें हो ना, वो वाली चीज़ें तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो अगेन बहुत से बॉडी वॉश और हैं मार्केट में, आप लोगों की अपनी चॉइस है। और भी बहुत से अच्छे अच्छे फ्रेगरेंस वाले भी हैं और बहुत से हैं, आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये फेस ग्लोब्स। लिटरली मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ, इनको फ्रीज़र में रख के ठंडा ठार कर लें, जब इसको सुबह उठ के फेस पे लगाएंगे ना तो इतना आपको मज़ा आएगा। और आइसिंग का भी काम करते हैं ये, तो आपका फेस बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत अच्छी तरह से आपका फेस ठंडा भी होता है और आपको इतना मज़ा आ रहा होता है ना, और आपकी आंखें भी खुल जाती हैं, आपको सुकून भी मिलता है। तो सुबह के टाइम ये फेस ग्लोब यूज़ कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पर सुबह के टाइम बेस्ट है। मतलब ऐसे आपको ठंडा ठंडा फील होता है, मज़ा आता है, और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो फेस रोलर से भी अच्छे फेस ग्लोब रखते हैं, सॉरी फेस रोलर कह रही हूँ, वो जो आइस क्यूब आप फ्रीज करके लगा सकते हैं उससे भी अच्छा। अच्छा, यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ये सनस्क्रीन। आप सनब्लॉक ले लें, सनस्क्रीन ले लें, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। इतनी गर्मी में ना आप टैन करोगे ही करोगे क्योंकि बहुत गर्मी है, तो जब भी आप बाहर जाएँ तो प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। ये बहुत सी चीज़ों का हल है, ट्रस्ट में, इससे आपके स्पॉट्स नहीं इतने होते, आपकी स्किन अच्छी रहती है और
बहुत से मतलब के मसलों का हल सनस्क्रीन है, तो प्लीज़ ये ज़रूर लगाएं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे और आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव और मज़े की वीडियो में। मुझे कमेंट्स में बताइए मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाए और आप लोगों की हेल्प भी हो जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और उन पर प्यार दिखाते रहिएगा। और सारी चीज़ों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनके नहीं मिले हैं आप उनसे अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।